अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ मिडिल ईस्टर्न फेमस स्नैक फलाफिल। फलाफिल बनाने के लिए मैं लूँगी 1 कप सोक्ड चिकपी, जिसको मैंने सोक कर लिया था 6 to 7 आवर्स के लिए। इसके साथ ही मैं लूँगी 2 ग्रीन चिली, हाफ अनियन रफली चॉप कर लेंगे इसको, गार्लिक 3 पीस, और सम कोरिएंडर मिंट लीफ। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, पानी नहीं ऐड करना हमने ज़्यादा। देखें, मैंने इसको ग्राइंड किया अच्छे से, ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ा कोर्सली ग्राइंड करेंगे इसको। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर 1/4 टी स्पून, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी मैं, और उसके बाद मैं थोड़ा सा वो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा डालूंगी। उसके बाद सेसमी सीड 1 टी स्पून, अब इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसको मैंने शेप, इक्वल शेप देने के लिए मैंने ये बॉटल का कैप यूज़ किया है। मार्केट में उनका शेप जो रहता है, मोल्ड रहता है, उससे वो बनाते हैं, तो हमारे पास ऐसा मोल्ड नहीं है, तो हम इसको कोई भी कैप होगा उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे इक्वल शेप हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे इक्वल शेप में सारे फलाफल एक साइज़ के बनेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं ऐसे। जैसे मैं एक ही साथ सब बना लूँगी, फिर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। फलाफिल जो है बहुत टेस्टी लगता है, ये इवनिंग स्नैक के लिए बहुत अच्छा है, और सम ओवर हेल्दी भी है। इसमें मैदा या बेसन वगैरह का यूज़ नहीं होता है। ये बहुत इजी है घर में बनाना, आप बना सकते हैं घर में और इंजॉय कर सकते हैं, सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखिए, अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया, इसमें मैं ऐड कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी डीप फ्राई के लिए। आप फलाफिल को हमस या सॉस, चटनी या कोई भी टमेटो केचप से खा सकते हैं। देखिए, अब हमारा फलाफिल रेडी है, ऐसे ही ब्राउन चाहिए हमें, और ये बहुत क्रिस्पी है आउटसाइड से और अंदर से फ्लफी भी है, बहुत अच्छा है ये। आप बनाएं, घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। और आपको कैसी लगी मेरी ये फलाफिल की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।